अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका नाम है केराटीन ट्रीटमेंट कैरा प्लस प्रोडक्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रीटमेंट। सबसे पहले 1 नंबर की क्रीम के साथ हमने क्लाइंट के बालों को वॉश करवा दिया है बहुत अच्छे से। 2 दफ़ा शैम्पू करवाया है ताकि बालों में से जो भी मॉइस्चर हो या चिकनाई हो वो निकल जाए और बालों के क्यूटिकल्स खुल जाएं। और उसके बाद सारे बालों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे ब्लो ड्रायर की मदद से। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है जो मैं कर रही हूँ। बहुत थिन थिन लेयर के साथ मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। बालों में क्रीम बहुत अच्छे से लगानी है। किसी भी हेल्पर की मदद से आप लगवा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ हेल्पर की मदद से। साथ साथ वो पार्टिंग करती जा रही है और मैं क्रीम अप्लाई करती जा रही हूँ। बालों में क्रीम बहुत अच्छे लगाना है कि बहुत ज़्यादा भी ना लगे और लग भी जाए, क्योंकि हमें ये क्रीम वॉश नहीं करवानी है। ब्लो ड्रायर से, ड्रायर की मदद से इसी में बालों में जस्ट करनी है बहुत अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सारी क्रीम लगा रही हूँ बालों में। क्रीम इस तरह अप्लाई करनी है कि बाल कोई खुश्क भी ना रहें और बहुत ज़्यादा गीले भी ना रहें, मतलब क्रीम बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी है, कहने का मकसद यही है। इस ट्रीटमेंट से इनके बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी, स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज बाल हुए हैं। और 2 दिन पहले इनका डाई भी हुआ है, स्टिकिंग भी हुई है, इसकी वजह से और ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं बाल। तो इसकी केराटीन ट्रीटमेंट करवाने की वजह से इनके बालों में शाइन आ जाएगी, ड्राई और डैमेज ख़त्म हो जाएगा। बहुत थिन थिन लेयर के साथ में ये क्रीम अप्लाई करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आधे घंटे क्रीम को रखा है बालों में। उसके बाद मैंने ब्लो ड्रायर की मदद से बालों को ड्राई करना है बहुत अच्छे से, और ये मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से बालों को ड्राई करना है इस क्रीम को, बहुत अच्छे से ड्राई। जब तक नहीं करेंगे हम बालों में जज्ब नहीं होगी और बालों में शाइन भी नहीं आएगी। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको सिर्फ ड्राई किया है, तकरीबन आधा घंटा लग गया था इसको बालों में पेनिट्रेट करने के लिए। अच्छे से बालों को ड्राई कर लिया है ब्लो ड्रायर की मदद से। और उसके बाद वही जिस तरह हम रिबॉन्डिंग में बहुत बारीक लेयर लेकर स्ट्रेटनर करते हैं, बालों को अच्छे से प्रेस करते हैं, वही करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। मैं बारीक बारीक लेयर लेकर बालों में आयरन कर रही हूँ। और यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। ये देखें बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे इनका रिज़ल्ट आया था। जितने बाल ड्राई और डैमेज थे बहुत बहुत अच्छी लग रही थी इनकी ट्रीटमेंट, और इन क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई थी लास्ट में जब इन्होंने देखा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें। अब ये देखें फाइनल लुक बालों का, बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ गई है बालों में और हेल्दी भी लग रहे थे बहुत ज़्यादा बाल इनके। जल्दी से मेरे सारे बहुत सारे सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए आप लोग। प्लीज़ शेयर कर दें मेरी वीडियो को ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। ये देखें मेरा ये फाइनल लुक है केरा प्लस ट्रीटमेंट का। कितने स्मूथ शाइनी हेयर हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।